हाउडी फिजिक्स लवर्स, आज करेंगे एग्जांपल नंबर 4.5। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल टू जीरो। ओके, तो एक पार्टिकल ने जो है ओरिजिन से स्टार्ट किया कितने टाइम पर, जीरो सेकेंड टाइम पर, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 5 i कैप मीटर पर सेकेंड। आई कैप को देख के हम बता सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर एक्शन ऑफ अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन एज 3 i कैप + 2 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। नाउ इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड दैट what is the y coordinate of the particle at the instant its x coordinate is 84 meter. So pehle hum displacement nikal lete hain. So using second equation of kinematics or second equation of motion. Now what is second equation of motion? S equal to ut plus half a t square. So s equal to ut plus half a t square. Now we are solving in vector form. So I can use here vector sign on displacement over initial velocity and acceleration. Now displacement is equal to, what is initial velocity? 5 i cap into t plus half. Acceleration is 3 i cap plus 2 j cap, t square. Okay. Now नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अब हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। पहले एक बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5t i cap + 3/2 t² i cap + 2 t² j cap / 2, 2 से 2 कैंसिल। नाउ वी कैन राइट इट एज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5t + 3/2 t² i cap + t² j cap। इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, i cap और j cap के टर्म्स में जो है मैग्नीट्यूड्स को क्लासिफाई किया। ओके, नाउ हेयर इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू, व्हेन डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस इज 84 मीटर। So displacement along x-axis is equal to 84 meter. Okay, and from this expression we can obtain the displacement 5t + 3/2 t² = 84 meter. Now we take the LCM first, or I can write in this manner, 3t² / 2 + 5t - 84 = 0. Now we take the LCM. Now LCM is 2. So I can write it as 3t² + 10t - 2 4's are 8 and 2 8's are 16 = 0. Now factorize it. Equation we obtained is 3t² + 10t - 168 = 0। अब इसको फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने के लिए आप जानते हैं 168 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। ओके, नाउ लेट्स सी, 168 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 8's are 24, 3 6's are 18 or 2 20, 2 3 1's are 3, 3 + 2 5, it is 504. Now we take the LCM of 504, it is 2 2's are 4, 2 2's are 4, 2 2's are 4, 2 5's are 10, 2 2's are 4. Now 2 1's are 2, 2 2's are 4 and 2 6's are 12. Similarly 2 6's are 12, 2 3's are 6. Okay. Now 3 2's are 6, 3 1's are 3, and 3 7's are 21, and 7 1's are 7. 3 3's are 9, 9 2's are 18, and 7 2's are 14, 14 2's are 28. जब हम 28 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 10. तो देखिए 3t² - 18t + 28t - 168 = 0. Okay. Now take 3 common and t common. Now it is t minus 6 plus 28
टी माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब आप 6 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका 168 ही आएगा. सो 3t प्लस 28 एंड t माइनस 6, दीज आर द टू टर्म्स इन मल्टीप्लीकेशन. अब यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं तो t की एक वैल्यू हमें मिलेगी माइनस 28 बाय 3 सेकेंड एंड सेकेंड वैल्यू विल बी 6 सेकेंड. सो वी टेक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड. सो द क्वेश्चन इज कि इस टाइम पर हमें y की डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है. तो देखिए y की डिस्प्लेसमेंट क्या है, y की डिस्प्लेसमेंट है t स्क्वायर j कैप. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस एट t इक्वल टू 6 सेकेंड. सो आई कैन राइट इट एज y इज इक्वल टू t स्क्वायर. ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, द वैल्यू ऑफ टी इज 6. सो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36. देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग y एक्सिस इज 36 मीटर. नाउ इन द सेम क्वेश्चन इन बी पार्ट इट इज आस्क्ड दैट व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम. हमें इसी टाइम पर पार्टिकल की स्पीड भी कैलकुलेट करनी है. सो देखिए इक्वेशन हमारी क्या बनी है. सबसे पहले इक्वेशन देख लेते हैं, दिस इज द इक्वेशन. ओके, जब आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम यू विल बी एबल टू ऑब्टेन द वेलोसिटी. नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t, and what is the first equation, s is equal to 5t plus 3 by 2 t square, 5t plus 3 by 2 t square I cap plus t square j cap. Let me check again, 5t plus 3 by 2 t square I cap plus t square j cap. Okay, now differentiate it. फॉर वेलोसिटी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन. जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी एस बाय डी टी इक्वल टू 5 डी बाय डी टी ऑफ टी प्लस 3 बाय 2 डी बाय डी टी ऑफ टी स्क्वेयर आई कैप प्लस डी बाय डी टी ऑफ टी स्क्वेयर जे कैप. नाउ सो डिफरेंशिएट करेंगे इसकी, 5 dt by dt is 1 plus 3 by 2 differentiation of t square is 2t 2 minus 1. Okay, जो भी पावर होती है वो कोफिशियंट में चली जाती है और पावर में से हम 1 माइनस कर देते हैं. नाउ इंटू आई कैप प्लस सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही करेंगे 2t j कैप 2 minus 1. सो पावर को आपने एज अ कोफिशियंट लिखना है और पावर में से 1 माइनस करना है. 5 प्लस 3t आई कैप प्लस 2t j कैप. सो दिस इज द वेलोसिटी बिकॉज वी नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी. नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू. व्हाट इज इट्स वैल्यू एट t इक्वल टू 6 सेकेंड. तो 6 सेकेंड पर, 6 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है. तो देखिए 5 प्लस 3 इंटू 6 आई कैप प्लस 2 इंटू 6 जे कैप. नाउ v इज इक्वल टू 5 प्लस 6 थ्री जा 18 आई कैप प्लस 12 जे कैप. नाउ v इज इक्वल टू 18 प्लस 5 इज 23 आई कैप प्लस 12 जे कैप. ओके, दिस इज द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम. अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अगर हम इसकी स्पीड फाइंड करें तो क्या होगा, स्क्वेयर ऑफ कोफिशियंट ऑफ आई कैप दैट इज 23 स्क्वेयर प्लस 12 स्क्वेयर. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वेयर ऑफ 23, सो दैट इज 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 2 529. सो इट इज 529 एंड 12 स्क्वेयर इज 144. नाउ वी कैन राइट इट एज 9 4 13, 1 4 1 5 2 7,
and 516 under root 673. So this is the magnitude of velocity, that is called speed, and unit is meter per second. So I hope you understood this numerical. अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए, तभी आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिलेगा. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत.